नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक आंदोलन में एक संगठन ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब इस संगठन के ऊपर अंतिम प्रहार करने की तैयारी हो रही है। ईडी ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद अमित शाह इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। पीएफआई के खिलाफ होने वाले कठोर कार्रवाई को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में कई जगहों पर हिंसा हुई। आंदोलन को हिंसक रूप देने में एक कट्टर इस्लामिक संगठन ने बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएफआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम में भी पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इस संगठन के पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई और इससे जुड़े लोगों के खाते खंगालने शुरू किए, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों से पूछताछ भी की है। इस संगठन के लोगों ने पीएफआई की फंडिंग के बारे में कई जानकारियां दी, जिसके बाद ईडी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। अब ईडी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में पीएफआई के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पीएफआई की ओर से पैसे दिए गए थे। इस संगठन ने पूरे देश में आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजा था और कई दूसरे लोगों को पैसा देकर अस्थिरता पैदा करने की योजना बनाई थी। ईडी की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब इस संगठन के ऊपर अंतिम प्रहार करने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कई राज्यों से पीएफआई के बारे में रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जाएगी। ध्यान रहे, कई राज्यों ने पहले से ही पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। केरल और कर्नाटक में इसकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पहले से ही जांच की जा रही है। अब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में इसकी भूमिका सामने आने के बाद इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले कुछ राज्यों में ही इसका नेटवर्क काम कर रहा था, लेकिन सीएए के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में भी इसके नेटवर्क का पता चला है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी कुंडली निकालनी शुरू कर दी है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस संगठन के ऊपर अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं। पीएफआई एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। इसका काम ही देश में अव्यवस्था फैलाना है, लेकिन कुछ तथाकथित सेक्युलर वामपंथियों और कांग्रेसियों की तुष्टिकरण की नीतियों के कारण इसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में इसकी भूमिका होने के बाद इसे बचाने वालों की भी जुबान बंद हो गई और अब इसके ऊपर शिकंजा कसने का रास्ता साफ हो गया। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।